पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपकी और कांग्रेस की आलोचना करने के चलते कांग्रेस समर्थक मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पत्र में राहुल गांधी से कहा कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी को भी लोग अपशब्द कह रहे हैं, मुझे न्याय चाहिए। शर्मिष्ठा ने चिट्ठी में राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि आपका पसंदीदा नारा आपके समर्थकों के कान में नहीं पड़ता, क्योंकि वे आपकी आलोचना करने वालों पर सारी नफरत झोंक देते हैं। अगर आप न्याय को लेकर सीरियस है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले। बता दें कि शर्मिष्ठा ने 5 फरवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि कांग्रेस ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे हैं, पार्टी को अपने चेहरे के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब प्रणब माय फादर में राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता को लेकर कई दावे किए थे। शर्मिष्ठा की इन्हीं बातों से नाराज होकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थक उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिखा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।